विपक्ष के हंगामे के बीच चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया है। बिल के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता कार्ड और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दी थी। वहीं इस बिल का विरोध कर रहे लोगों और संगठनों की दलील है कि आधार कार्ड का वोटर कार्ड से लिंक करने की पहल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। साथ ही आधार कार्ड में वोटर कार्ड से अधिक गलतियां सामने आई है। वी आर फॉरगेटिंग दैट आधार वाज ओनली मेंट टू बी अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इन आवर कंट्री ओनली सिटीजंस आर अलाउड टू वोट, सो इफ यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू आर आस्किंग आधार फॉर वोटर्स, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship, and therefore you are potentially giving the vote to non-citizens. जौनपुर में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। नितिन गडकरी ने जौनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि योगी जी पर भरोसा जताइए, यूपी की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसी होंगी। मैं झूठ नहीं बोलता, करके दिखाऊंगा। गडकरी ने साफ कहा कि मेरे पास मंत्रालय भी ऐसा है जहां पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन हम देते देते नहीं थकेंगे। मैं वचन देता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनने दीजिए, यूपी में आने वाले 5 वर्षों में लाखों करोड़ रुपए के काम होंगे। मैं ऐसा मंत्री हूं और मेरा ऐसा विभाग है कि जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अरे मांगने वाले थक जाएंगे पर देने वाला थक नहीं रहता। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो फोकलाड करता है, जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा कर दूंगा। जौनपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा, वंशवाद और परिवारवाद करने वालों ने यूपी को बदहाल कर रखा था। विकास के लिए विराट सोच चाहिए। जो लोग क्षेत्र, भाषा, जाति और परिवारवाद के नाम पर राजनीति करते थे, वे विकास कभी नहीं कर सकते। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश, यहाँ विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चलाने का काम करेगा। यूपी में जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, बीजेपी नेता मथुरा में कृष्ण मंदिर की मांग बढ़ाते जा रहे हैं। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उम्मीद जताई है कि काशी अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हेमा मालिनी ने कहा कि राम जन्मभूमि और काशी के कायाकल्प के बाद स्वाभाविक रूप से मथुरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्यार और स्नेह के प्रतीक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की सांसद होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि एक भव्य मंदिर होना चाहिए। एक मंदिर पहले से ही है और मोदी जी के द्वारा विकसित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह इसे भी नया रूप दिया जा सकता है। काशी विश्वनाथ का कायाकल्प और पुनर्विकास बहुत कठिन था। नेचुरली मथुरा के भी जरूरी है, इसके लिए बनता है। आज तक जो नहीं हुआ है, काफी काम हुआ है और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। मेरठ में कमिश्नरी कार्यालय के बाहर युवक ने हथियार लहराते हुए कराया वीडियो शूट। वीडियो वायरल हो गया है, पुलिस ने मामला दर्ज करके युवक की तलाश में जुट गई है। मेरठ में कमिश्नरी कार्यालय के बाहर आई लव मेरठ सेल्फी पॉइंट बनवाया गया था। तभी से यहां बच्चे, महिलाएं और आने जाने वाले परिवार सेल्फी पॉइंट के सामने फोटो और वीडियो शूट कराते हैं। लेकिन रविवार आधी रात को एक युवक यहां अपने दोस्त के संग पहुंचा और मोबाइल से वीडियो शूट कराने लगा। इसमें युवक हाथ में हथियार लहराते हुए वीडियो बनवा रहा है। वीडियो में फिल्मी गाना भी सुनाई दे रहा है। वहीं एसपी सिटी ने पूरे मामले में पुलिस को जांच कर युवक पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। देखिए, ये वीडियो वायरल के संज्ञान के संबंध में कोई संज्ञान में आया है। इन व्यक्तियों की पहचान करी जा रही है, इन्हें तस्दीक की जाएगी। पिस्टल असली था, नकली था, क्या था, इनसे जब वार्ता करके तब उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में कारोबारी राहुल भसीन के घर आईटी की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। राहुल के महानगर वाले घर में पिछले 3 दिन से लगातार 50 घंटे से अधिक वक्त से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। लगातार आईटी के अधिकारियों का भसीन के घर पर आना जाना हो रहा है। घर के अंदर और बाहर दरवाजे पर पुलिस बल तैनात है। आईटी छापेमारी में वाराणसी की टीम कर रही है छापेमारी। वाराणसी टीम के साथ लखनऊ की टीम भी मौजूद है। दुनिया भर में चर्चित पनामा पेपर्स मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से दिल्ली में ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या के लिए सवालों की लिस्ट पहले ही तैयार कर चुके हैं। दरअसल पनामा पेपर्स मामले में भारत के करीब 500 लोगों के नाम शामिल होने की बात सामने आई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मसूरी में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके अलावा 144 करोड़ से ज्यादा की पुनर्गठन पेयजल योजना का शिलान्यास किया और 18.5 करोड़ की लागत से बने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का भी लोकार्पण किया। पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर कहर बरपा रही है। शीतलहर और ठंड में बिना बर्फबारी के भी यमुनोत्री धाम में यमुना नदी जम गई है। यह पहली बार होगा कि जब बिना बारिश और बर्फबारी के ऐसा हुआ है कि यमुनोत्री में अधिकतम तापमान -3 डिग्री और न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंच गया हो। पानी भी पूरी तरीके से जमकर बर्फ हो गया है। कपाट बंद होने के बाद से आप देख सकते हैं कि नदी का पानी जम गया है। मंदिर के बाहर का पानी भी जम गया है।